इस वक्त हमें छबीला म्यूजिक स्टूडियो चकाई में, और आज हमारे साथ एक ऐसे गायक हैं जो पैर से विकलांग हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं, लेकिन उनकी गायकी के आप दीवाने हो जाएंगे। तो अभी हमारे साथ हैं हमारे एक विकलांग भाई, पैर से भले ही वो विकलांग हैं लेकिन इनकी जो गायकी है उसके आप भी दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं उस शख्स से। नमस्ते, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप देख रहे हैं तहे तहे दिल से धन्यवाद जी आपको भी। और सर पहले सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। विकलांग सिंगर निरंजन निराला। विकलांग सिंगर निरंजन निराला। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम सारवां से आए हैं। अच्छा, ये देखिए सारवां से आए हुए हैं, देवघर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है ना। तो अभी हम हैं चकाई में, छबीला म्यूजिक स्टूडियो चकाई में। तो इस स्टूडियो के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला? हम यूट्यूब पे सर्च किए, काफ़ी सॉन्ग था, बढ़िया सब्सक्राइब था, बढ़िया म्यूजिक भी था, इसीलिए हम कॉल किए। तो मुकेश भैया से बात हुआ, इसीलिए हमको आने बोला। तो हम यहाँ बटिया में रहते हैं, बाबा झुमराज के पास में, तो वहीं रहते हैं, वहाँ से यहाँ चल के आए हैं। तो गायकी में जो इंटरेस्ट आपका मतलब शुरुआत हुआ वो कब से हुआ था? ये 2010 से 2010 से हमको गाने का शौक़ था, यानी कि एक बचपन से ही मेरा शौक़ था। लेकिन हम सोचे कि हम थोड़ा मेरा थोड़ा सा अपने खुद से पैरों से चलने लगे तब हम कुछ काम करेंगे, यानी तो इस तरह हमको कौन ले जाता है, कौन उठे करता है। अब हम जहाँ भी जाते हैं अकेले आते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं होता, हम गाना खुद लिखते हैं, खुद आते हैं। तो अकेले आप मतलब कैसे आते हैं? पैर तो काम करता नहीं होगा फिर? आपको दिखाएंगे, चल के भी दिखाएंगे किस तरह हम आते हैं जाते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे।